तो ख्वातीनो हजरात, ईद हो और बारबेक्यू ना हो मजा ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। तो हमने बहुत जद्दोजहद, ये प्लान जो है बहुत आसानी से नहीं बना, बहुत जद्दोजहद के बाद बना। फाइनली वो दिन आ गया है, ईद का छठा दिन, हम बारबेक्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो गए। आज हम करेंगे बारबेक्यू, हम बनाएंगे मलाई बोटी, क्योंकि बारबेक्यू आज हम बनाएंगे मलाई बोटी। मलाई बोटी का सामान जो है हमने तैयार कर लिया, इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये ओलपर क्रीम है और ये कच्चा पपीता। वो लोग जिन्हें कच्चा पपीता के बारे में नहीं पता वो क्या इसका नाम क्या है और क्या काम है, वो इसका काम ये है कि ये गोश्त को कुर्बानी वाले जो गोश्त होता है वो थोड़ा सा वो सख्त होता है, उसको गलाने के लिए ये हेल्प करता है कच्चा पपीता। ये कच्चा होता है और पपीता होता है, और ये गोश्त साफ करने के लिए बैठे है भाई, रेड मार रहे हैं गोश्त की। अबे छोड़ दे भाई, तेरी अपनी अम्मी ने साफ करवा ले, उमेर अम्मी ने साफ करवा ले, क्या पूरा बछड़ा गिरा के आया है उमेर भाई, सिर्फ गोश्त साफ, हड्डियाँ साफ करने के लिए तीन चुड़ियाँ लिया बछड़ा के लाने के लिए दो चुड़ियाँ यूज होती है। तो ये जो हम मलाई बोटी आज बना रहे हैं ये कोई आम मलाई बोटी, ये मलाई बोटी वो मलाई बोटी है जो बाहर जो ठेले पे जो लोग टिक्का का बनाते हैं उसका मलाई बोटी बनाते हैं, वो वाली मलाई बोटी। अब उसकी रेसिपी हमें कहाँ से मिली ये अलग एक साइंस है, हमारा एक जानने वाला है जो टिक्का बोटी बनाता है, तो उससे हमने पूछा तो उसने बहुत जद्दोजहद के बाद बताया रेसिपी जो है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पर रेसिपी बाप रेसिपी, उसकी मलाई बोटी भी बाप मलाई बोटी, जो रेसिपी है बहुत ही आसान है मलाई बोटी की, वो स्ट्रीट रेसिपी है। देखो आपको पता है हम स्ट्रीट फूड बनाते हैं, तो हमने सोचा कि स्ट्रीट फूड की वीडियो बनाने के बजाय हम स्ट्रीट फूड बनाए, तो स्ट्रीट फूड बना। अभी फिर एक चुटकी बजाऊंगा, शाम हो जाएगी, ओ रात हो जाएगी। ख्वातीनो हजरात, फाइनली आज वो वक्त आ गया है कि हम अपनी सीख वीडियो बनाने के लिए तैयार है। उमेर भाई इससे रेसिपी रेसिपी मालूम करते हैं, रेसिपी मैंने आपको बताया था उमेर भाई ने बनाई है टिक्के वाले से मालूम करके। उमेर हाँ भाई, हमें इसकी जरा रेसिपी बताएं। भाई मैंने पहले लिया गोश्त, उसके अंदर चर्बी अलग करी और बोटियां अलग करी उसके अंदर से मैंने, फिर उसके अंदर मैंने मिर्ची का पेस्ट बनाया 1 टीस्पून, कौन सी मिर्ची, हरी मिर्ची का पेस्ट, रेसिपी रेसिपी 1 टीस्पून और नमक 1/2 टीस्पून और कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून और कच्चा पपीता, कच्चा पपीता 1 टीस्पून, कच्चा पपीता की खाल डाली थी आपने, नहीं खाल मैंने अलग कर दी थी, इसको ग्लेंडर करके उसके अंदर डाला मैंने, खाल लाजमी डालते हैं। और क्या था, और इसके अंदर क्रीम का ऑलपर्स का क्रीम का पैकेट आधा वो डाला, और दही, और दही डाली है मैंने, और सिरका, और हाँ सिरका, सिरका भी डाला इसके अंदर मैंने, क्यों इसलिए, और ये देखें नहीं, क्योंकि जो रेसिपी है वो हमने एक टिक्के वाले से मालूम करी थी, जो टिक्का हमारे यहाँ बनाता है शिरादपुर में, तो उसने ऐसी भी बताई थी तो हम सबको भी याद है। अब हमें ये नहीं पता किस तरह के हमारे कबाब बनने वाले, सिस्टम सारा ऑन, कोयले गरम करना एक अलग जद्दोजहद है, कोयले गरम नहीं कोयले जलाना एक अलग जद्दोजहद है, ये कोयले अभी मुझे चूल्हे पे रखने। भाई आप सबसे पहले हमारा ये जुगाड़ चेक करें, लाइट नहीं आ रही साइड में, ये जुगाड़ को जिस तरह का है कि जो टंकी होती है लोहे की ऑयल का वो होता है, हम मंगवाते हैं अपनी दुकान पे, तो उसका ढक्कन को पापा ने यहाँ से फोल्ड करा है, वहाँ से फोल्ड करा है, बीच में लगवा दी, क्योंकि शहजादपुर में मिल नहीं रही थी पिछले साल। क्या हुआ अभी, फुल वो हो गए, जाहिल भी नहीं बोल सकते, वैशी हो गए, मैं बैठा करने के लिए मुझे भी फुल बोल रहे की बस ये, अब ये जो खिलाना नहीं पता कोई लोग सेटिंग मुझे करने दे, तो हमने इनके सर दे दिया है काम, का पंखे का जो पंखा सॉरी जो हमारा जो कोयलों का जुगाड़ है कि कोयले किस तरह गर्म करने हैं, उसका सजाद भाई ने जुगाड़ बताया कि स्टैंड फैन उसकी मदद से गर्म किए जाए कोयलों और कोयलों पे आग लगाई जाए, तो सजाद भाई आग लगाने में माहिर है, ये कोयलों के अंदर हमारी आग लग रही है, वो कोयला वो मिनट में गर्म हो जाएंगे, ओ गारंटी, क्या जुमला, क्या जुमला, कोयले बगाला आग बन जाएंगे, शोले बन जाएंगे, राख हो जाएगी अभी 2 मिनट के अंदर, पीस भी उमेश भाई ने एक बराबर पीस रखे हैं, इससे क्या होता है कि ना कोई बूटी ना ज्यादा पकती है और ना कम पकती है, ऐसा अगर एक बड़ी बूटी लगा देते हैं घर वालों से, मैंने कल परसों बनाई थी ना बोटियाँ, हम टिक्का बोटी बनाई, एक इतनी बड़ी बोटी और एक उसके साथ इतनी बड़ी बोटी, तो वो इतनी बड़ी बोटी वो सीखी नहीं, तो इस वजह से हमने अकलमंदी लड़ाई थोड़ी सी और बोटियों का साइज सेम रखा, इससे सारी बोटियाँ एक साथ मिल जाए। सुजात भाई अभी तक कोयलों के अंदर घुसे हुए, इसकी जिंदगी कोयलों से शुरू होती है, कोयलों पे ही खत्म होती है जब से हमारी गांव शुरू हुआ है, क्यों सुजात भाई
कितने कहाँ तक पहुँचा आपका काम? तकरीबन हो गया अभी। हो गया तकरीबन फाइनली। बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद हमारी जो बोटी है वो तैयार हो गई और जल्दी जल्दी तैयार हो गई फाइनली। फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी तैयार हो गई, पर लेकिन मसला ये छोटी छोटी बोटियाँ हैं। जाएंगी तो पेट में ही, दिखने में तो बड़ी बेहतरीन लग रही है। ये हम खाएंगे केचप के साथ, दिखने में बड़ी बेहतरीन लग रही है, देखते खाने में। फाइनली मैं ट्राई करने के लिए जा रहा हूँ अपनी बोटियाँ। या चार चार और पांच पांच छह छह लगाओ, बल्कि छह छह करके लगाओ। गर्म तो नहीं है? अब गर्म होता है तो भी तेरे को पता चला है। अच्छी है। इसके अगर मलाई होती ना पैसे पूरे हो जाते। मलाई की थोड़ी कमी लगी। सुजात भाई ये कैसी लगी और कितनी रेटिंग दोगे? सर रेटिंग बताएं। सर रेटिंग तो मैं दूंगा उमेर भाई का मुंह देख के, बहुत अच्छी बनाई है। 10 out of 10। मैं नजर में भी बहुत अच्छी बनाई है। मलाई की थोड़ी कमी लग रही है। मलाई अगर ऊपर डाल के खाते ना तो मैं अभी इसको 9 out of 10 दूंगा। उमेर आपके क्या तस्वीरें हैं अपनी बनाई हुई बोटियों पे? तुमने क्या तस्वीरें दी हैं? हमने दे दिए। दे दिए अब हमको पता है। एंड मैं अपनी तारीफ कैसे करूँ? बता ना। मुझे तो अच्छी लग रही है, मैं अच्छी दूंगा 9 out of 10। अच्छी बनी है यानी? मुझे अच्छी लगी है, बहुत 10 out of 10। टिक्का बोटी की आखिरी टेक। इसके अंदर हमने क्या किया है कि जो बोटी हैं उनको थोड़ा नरम रहने दिया है, उसको थोड़ा ज़्यादा हमने जलाया नहीं है। चेक करते हैं कि इसमें क्या हमें रिजल्ट मिलता नहीं है। बस खत्म, बस हो गया। ये बिहारी बोटी है, खत्म। बस बिहारी बिहारी बन गई मलाई बड़ी नहीं, अच्छी बनी यार वैसे। आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा ब्लॉग लगा। और अगर ये स्ट्रीट्स ऑफ सिंध के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके शहर में या फिर आपके शहर के अंदर कोई चीज़ नहीं खाने पीने की फूड स्ट्रीट की कुछ बनाएँ तो हमें कमेंट करना बताएँ कि शहजादपुर या इसके करीब करीबी कोई शहर है इनमें क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं। उमेर भाई तस्वीर बताया अपने। मज़ा आया? मज़ा बहुत आया। सजाद भाई गए कोयले बुझा दें? कोयले बुझा रहे सजाद भाई, हम इधर सामान को समेट रहे हैं। मज़ा आया, पैसे पूरे हो गए। लेकिन मिलते हैं, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बात आप सिलो बोल सकते थे। अल्लाह हाफिज़।